21 की स्क्रीन पर। आतिशजदगी के बायस इमारत का अगला हिस्सा शदीद मुतासर जबकि पिछला हिस्सा महफूज रहा। वाकई की इब्तदाई रिपोर्ट और पुलिस की जानिब से ऐनी शाहरीन के बयान कलमबंद करने के बाद तफ्तीश आगे बढ़ नहीं सकी। शारा फैसल नसरी स्टाफ के करीब पोर्टवे इमारत में खौफनाक आतिश जदगी, आग कैसे और क्यों लगी तफ्तीश आगे न बढ़ सकी। आग लगने के बाद इमारत में बिजली की फरामी मुनकता कर दी गई, जबकि गैस कनेक्शन न होने की वजह से बड़े नुकसान से बच गए। बुलंद व बाला पोर्टवे नामी इमारत इमरान जीवानी बिल्डर की है। ये जीवानी फैमिली है, जीवानी। उन्होंने बिल्डिंग बनाई है, सबको लीज भी कर दी है, लेकिन बहरहाल इनके अंडर कंट्रोल ही मैनेजिंग इनकी कमेटी है, मैनेजमेंट सारी उनके पास ही है ना, उनके पास ही है। मारूफ बिजनेसमैन अदनान प्राचा का कहना है कि बुलंदवाला इमारत में मुख्तलिफ निजी कंपनियों के 100 से ज्यादा दफातर मौजूद हैं। दो रोज गुजर जाने के बाद भी मुतालका इदारे जाए हादसा पर नहीं पहुंच सके। इस टाइम पे जो बिल्डिंग का फ्रंट वगैरह सारा एलिवेशन वगैरह खराब हुआ है और हमारे ऑफिस की लाइट्स वगैरह डिस्कनेक्ट हो गई है, मैं एक मुतालबा करता हूँ इस टाइम पे कि हमारे जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं फिल फॉर इसको एक्शन में लें और एक्शन में लेने के बाद फौरी तौर पे वर्केबल कंडीशन में ला के दें, ताकि हमारे जितने भी लोग जो इधर ऑफिसेज रखते हैं वो अपने काम को दोबारा स्टार्ट कर सकें। इमारत में निजी दफातर के मालिकान ने मुतालबा किया है कि मुतालिका इदारे फौरी तौर पर आतिशजदगी की वजूहात मालूम करें, हमें रिपोर्ट पेश करें, जबकि बिल्डर से मुतालबा किया है कि हमारे नुकसान का अजाला करें। ये एलिवेशन जितनी जल्दी हो बनवाया जाए, 110-115 ऑफिस के ऑनर्स खड़े हुए यहाँ पे। हम सबका मुतालबा यही है, जो यहाँ के ऑनर्स हैं, ऑफिस के ऑनर्स हैं, वो आके इसको रेनोवेट करवाएं और जो हमारी जो मुतालबात हैं वो पूरे करें। निजी दफातर के मालिकान ने मजीद कहा कि अगर हमारे साथ तआवुन नहीं किया जाता तो हम कानून का रास्ता इख्तियार करेंगे। कैमरामैन इरफान तरमजी के हमरा शाहजेब हुसैन, सिटी 21।